हेलो एवरी वन लेसन थ्री ब्रेवो मंजू दिस इज अ चैप्टर अबाउट अ गर्ल हुज नेम मंजू मंजुला एंड निक नेम वॉज मंजू तो पहले इस चैप्टर का टाइटल जो है वो समझ लेते हैं ब्रेवो ब्रेवो इज़ एन इंटरजेक्शन हेयर इंटरजेक्शन फॉर चीयरिंग चीयरिंग अप मंजू आपने इंटरजेक्शंस तो पढ़े ही होंगे आप क्लास सेवन्थ में हो ब्रेवो अलास हु ओह these all are in interjections with the exclamatory mark in the last so bravo manju means manju ko uske ghar wale jo hain wo cheer up karte hain cheer karte hain that yes you can do it so let's begin this interesting chapter about a girl whose name was manjula and she was born with two fingers. उसके बच्चों जो उसकी difference था हम लोगों से वो ये था कि उसके दोनों हाथों में सिर्फ दो ही उंगलियाँ थीं दो उंगलियां इस हाथ में और दो उंगलियां उस हाथ में पर इस इस कमी के होते हुए भी उसने अपनी जो इंटरेस्ट है अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको फॉलो करना नहीं छोड़ा परस्यू करना नहीं छोड़ा डज शी ओवरकम द हर्डल्स जो भी रुकावटें हर्डल्स मीन रुकावटें जो भी प्रॉब्लम्स उसके रास्ते में आई क्या उसने उन्हें उन, उन चैलेंजेस को उन रुकावटों को पार करके आगे बढ़ी या उसने गिव अप कर दिया ये प्रेरणादायक स्टोरी हम पढ़ते हैं ये स्टोरी पढ़ते हैं जो कि एक इंस्पायरिंग स्टोरी है हमें बहुत इंस्पायर करेगी दैट वी शुड नेवर गिव गिव अप उसका पूरा नाम था मंजुला उसका पूरा नाम था मंजुला परेलकर वो जानती थी कि शी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन हुसैन एक बहुत बड़े पेंटर्स का नाम है उसे पता था कि वो पेंटर जै, हुसैन जैसी तो महान पेंटर नहीं बन सकती क्योंकि उसके पास जो थोड़ी सी फिंगर्स हैं दो हैं हर हाथ में लेकिन ब्रशेस को पकड़ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो सामान आता है वो बहुत महंगा आता है और जो सामान की उसे ज़रूरत पड़ेगी पेंटिंग में वो बहुत कॉस्टली होगा मीन्स शी हैज़ एन इंटरेस्ट इन ड्राॅइंग बट शी वॉज थिंकिंग दैट द थिंग्स शी हैज शी नीड्स माइट बी कॉस्टलियर तो वो अपनी मम्मी से बात करती है एक दिन शाम को मम्मी से मम्मी के साथ किचन में हेल्प कर रही है डिनर के बाद और मम्मी से बोलती है मम्मा डू यू थिंक आई कुड क्या आपको लगता है मैं कर सकती हूँ फिर वो रुक जाती है थोड़ी नर्वस ही हो जाती है आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो क्या मुझे कल थोड़ा एक्स्ट्रा मनी मिल सकता है वो अपनी मम्मा से बातचीत में कहती है तुम्हें तो किसके लिए चाहिए मनी मम्मा ने प्यार से पूछा रिंसिंग द डिशेस मम्मा बर्तन धो रही थी बर्तन धोते तो मम्मी ने कहा बेटा किस लिए चाहिए मनी वो बोलती है माँ फॉर कलर्स एंड पेंट्स आई 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 वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग थोड़ी हिचकिचा रही है बोलने में कि मुझे पेंटिंग सीखनी है क्यों हिचकिचा रही है क्योंकि आप और मैं होते तो बहुत ईजीली कह देते क्योंकि हम कर सकते हैं बट वो उसके हाथ में फिंगर्स ही नहीं है और वो पेंटिंग करने की सोच रही है दो फिंगर्स से क्या पेंटिंग कर सकती कैसे करेगी तो वो झगते हुए माँ से पूछती है उसकी मम्मा मिसेस पर लेकर अपने बेटे अपनी बेटी की तरफ देखती हैं और उनके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं और थोड़ी टाइम रुककर वो चुपके से मंजुला के हाथ में कुछ पैसे पकड़ा देती हैं धीरे से उसको पकड़ा देती हैं वो बोलती हैं गो अहेड हाँ हाँ क्यों नहीं जाओ जो जो तुम्हें खरीदना है उसे खरीद लो बेटा हैव फन एंड शो मी द पेंटिंग जो तुम्हें चाहिए वो सब ले आओ और मुझे पेंटिंग ज़रूर दिखाना टेड हर मंजूला शोड हर फर्स्ट पेंटिंग टू हर मदर द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन ही उसने पेंटिंग बनाई और अपनी माँ को दिखाई माँ ने कहा माँ कुछ कढ़ाई बुनाई का काम कर रही थी नीडल का काम कर रही थी और माँ वो देखकर बहुत सरप्राइज हो गई और बोली मंजुला भाई देट इज ब्यूटिफुल ये तो बहुत खूबसूरत है बेटी आई डो यू आर सो गुड मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी अच्छी पेंटिंग बना पाओगी और जरूर जाओ पापा को दिखा के आओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे मीन्स ममा ने कितनी मोटिवेशनल वर्ड से उसको बच्ची को मोटिवेट किया मंजुला अपने पेंट और ब्रश लेकर लौटती है नो बडी है नो बडी हैड एज मंजुला व्हाट शी वॉन्टेड फॉर हर थर्टीन बर्थडे अब उसका क्या है थर्टीन बर्थडे आने वाला है और उसको किसी को नहीं पता कि मंजुला के मन में क्या है लेकिन मंजुला ने सीक्रेटली क्या विश कर रखा है ठीक है अब उसके बर्थडे सरप्राइज़ खुलता है ओ मम्मा मम्मा शी ओवर वेल्ड ओवर वेल्ड मीन्स जब आप खुशी से बहुत ज़्यादा भर जाते हो मीन्स आपको सोच रहे होते हो और आपको वही मिल जाए तो आप ओवर हो जाते हो अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर्स आपको पता है उसको वाटर कलर्स पसंद थे तो उसको आर्टिस्ट वाले वाटर कलर्स मिल गए तो वो मम्मा को थैंक यू बोलती है क्योंकि मम्मा ने वही जो उसके मन में था वही उसका ड्रीम जो था वही उसको गिफ्ट दे दिया फिर वो कुछ और पकड़ाती हैं उसके हाथ में एक किताब रखती हैं और बोलती हैं ये किताब तुम्हारे पापा की तरफ से है पा पापा ने जो किताब दी थी वो भी ड्राइंग से रिलेटेड थी और उस पर लिखा हुआ था पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप उस बुक का नाम था और यह देखकर मंजूला एक्साइटमेंट में उछल पड़ती है उसकी आंखों में खुशी की चमक छा जाती है ओ oh, पापा आई कुड नेवर ड्रेम्ड ऑफ़ दिस मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप भी मेरी विश पूरी करोगे मीन्स शी वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस यू वुडेंट हैव ड्रेम्ड ऑफ माई प्रेजेंट ईदर सेड हर ब्रदर उसका भाई छोटा भाई है छोटा भाई है अमोल वो बोलता है हाँ क्यों नहीं तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसे तुमने कभी मेरे प्रेजेंट के लिए भी नहीं सोचा होगा सपने में वो नॉटीनेस उसके मिसचीवियस स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है जैसे आप लोग एक दूसरे भाई बहन एक दूसरे की खिंचाई करते हैं ऐसे ही वो भी कर रहा है मिसचीवियस मिन्स अ नॉटी स्माइल ही पोल्ड हर टू द बेडरूम वो उसको बेडरूम में ले जाता है अपनी बहन को और उसके नीचे से जहाँ वो सोती है उसके नीचे से तकिया हटाता है और तकिए के नीचे क्या रखा था पिलो के नीचे एक पिंक रिबन में तीन वाटर ब्रश बंधे हुए होते हैं वाओ अनदर सरप्राइजिंग गिफ्ट थ्री वाटर ब्रश ब्रशेस अंडर द पिलो एंड दीज वर द गिफ्ट ऑफ हर ब्रदर अमूल सेबल हेयर सेड हर ब्रदर आर्ट इज क्वालिटी वो एक सेबल हेयर का ब्रशेस देता है जो कि बहुत ही फाइन हेयर वाले ब्रश होते हैं और जो कि आर्टिस्ट को बहुत पसंद होते हैं मंजुला ने फिर वो नई किताब पढ़ी हर पेज से पेज पढ़ती गई कवर से लेके एंड तक उसने सारी पेजेस पढ़ लिए शी न्यू फॉर गुड वाटर कलर पेंटिंग शी नीडेड स्पेशल वाटर कलर पेपर अब उसे पता था कि अब उसे कुछ स्पेशल वाटर कलर पेपर की ज़रूरत है कुछ अलग सा पेपर आता है जो कि थोड़ा महंगा होता है लेकिन उसने अपनी मम्मा से हिम्मत करके कह ही दिया फिर उसकी मम्मा और पापा के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होता है कुछ बातें करते हैं उसकी मम्मी पापा इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फ्यू शीट्स उसकी पापा बोलते हैं अरे ये किस कुछ शीट्स की बात नहीं है ये बात ये है उसके पापा थोड़े वियरली मीन्स थोड़ा रूखा सा जवाब देते हैं और मिसेस पार लेकर उनसे कहती हैं डिनर के बाद बताती हैं कि मेरी बच्ची को मतलब मंजू को अब कुछ पेपर्स की ज़रूरत है तो उसके पापा कहते हैं पेपर ये पेपर का मैटर नहीं है वाटर कलर्स उसके बाद हमें वाटर कलर खरीदने पड़ेंगे ऑयल पेंट्स खरीदने पड़ेंगे कैनवासेस खरीदने पड़ेंगे और जाने क्या क्या तुम्हें पता है वो ये सब नहीं कर पाती इससे अच्छा वो कुछ और यूजफुल चीज़ें जैसे कि कुकिंग और स्टिचिंग सीखे उसके जो ये हाथ हैं इनकी वजह से वो कभी भी एक आर्टिस्ट नहीं बन सकती पता है पापा को उसके हाथ में ही प्रॉब्लम है दोनों हाथों में फिंगर्स नहीं है तो वो माँ से ये कह देते हैं और उसकी मम्मा ये सुनकर प्लीज क्राइड हर मदर डोंट से दैट एवर अगेन अरे ये आप क्या कह रहे हो उसकी माँ थोड़ी गुस्सा हो जाती है मंजुला हु हैड हर्ड द कन्वर्सेशन रिटर्न टू हर रूम पीछे से ही मंजुला भी ये सारी मम्मी पापा की बातें सुन लेती है अपने रूम में वापस आती है और जो वाटर कलर्स और जो गिफ्ट्स और ब्रशेस थे उन सबको बंडल में बन बना एक बांध लेती है टक्कर देती है मीन्स बांध देती है और अपने कबड़ के अपने जिसमें उसके कपड़े रखे होते हैं उस कबड़ में उस अलमारी में पीछे की तरफ़ फेंक देती है और सुबह उठकर माँ से कहती है माँ मदर कमिंग इन टू द किचन डू यू नीड सम हेल्प माँ कुछ मदद कराऊँ आपको खाने में कुकिंग में वाई मंजू हर मदर लुक डैट हर इन सरप्राइज ग्लिम्सिंग द पेन इन हर आइज माँ उसकी आंखों में देखती है और माँ को उसकी आंखों में वो झलक दिख जाती है कि वो कुछ दुखी सी है क्योंकि वो आज बोल रही है कि मैं किचन में हेल्प करूंगी बिकॉज सेड मंजुला इन एज स्टडी अ वॉइस शी कु मैनेज अपनी अपने आंसुओं को अपनी आवाज़ को संभालते हुए बोलती है बिकॉज मम्मी मैंने ना अब पेंटिंग करना बंद कर दिया है और मैं सोच रही हूँ अब मैं कुकिंग या फिर कोई और यूजफुल चीज़ सीखूँ तो माँ समझ जाती है बट वाई अमोल वॉज शॉकड अमोल भी शॉक हो जाता है उसका भाई आई थॉट यू वुड एंटर द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन इन नवंबर अमोर बोला क्यों दीदी मैं तो सोच रहा था आप ऑन द स्पॉट कंपटीशन जो है पेंटिंग कंपटीशन जो कि नवंबर में मेरे स्कूल में उसमें आप पार्टिसिपेट करोगी और आप बहुत ही इजीली बैक कर सकती हो फर्स्ट प्राइज बैग माने विन कर सकती हो फर्स्ट प्राइज मंजुला वॉज थ्रू विथ आर्ट क्योंकि मंजुला के अंदर जो है आर्ट भरी हुई थी लेकिन मंजुला ने अब यह सब छोड़ दिया था शी हैड गिवन इट अप फॉर गुड उसने ये सब अच्छाई के लिए छोड़ दिया वो कह रही थी मैंने ये सब छोड़ दिया हावर मच इट हर्ट हाउ एवर मच लेकिन उससे इसे बहुत ही दुख हुआ क्योंकि आपकी कोई पसंदीदा चीज है और आप छोड़ दो तो आपको बहुत भारी फील होगा तो ऐसे ही वो फील कर रही है मंजू हर मदर्स वॉइस जीज हर फ्रॉम फार अवे विल यू गिव मी हैंड Your papa is going to Mumbai next पापा इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक आई है ट्रंक अब ये दोनों बात कर रहे थे अमोल और मंजू इतने में उसकी मम्मी लगाती। इधर थोड़ा मेरा हाथ बटाओगी तुम्हारे पापा मुंबई जा रहे हैं अगले हफ्ते जरा उनका सूट निकलवा दो संदूक में से ट्रंक में से तो मंजूला अपनी मम्मी को मदद करने चली जाती है और स्टील का ट्रंक उतारती है मिसिस पा लेकर ओपन इट बट देन शट इट अगेन ममा ने उसे खोला और फिर उसे बंद कर दिया और मंजू की तरफ मुंह करके कहती है मंजू आई वुड लाइक टू टॉक टू यू और वो मंजू की तरफ मुंह करके कहती है मंजू मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ मम्मी प्लीज़ इंटरप्टेड द गर्ल हर डार्क आइज बर्निंग उसको लग रहा था कि मैं रो पड़ूंगी उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी उसने कहा मम्मा प्लीज़ डोंट नहीं नहीं मुझे कुछ मत कहो मिसेस पालेकर ग्रिप्ड हर डॉटर फॉर्मली बाय द शोल्डर्स माने उसके दोनों कंधे पकड़ लिए ग्रिप्ड माने होल्ड फॉर्मली प्यार से पकड़ लिए दोनों कंधे और एंड लुक्ड हर स्ट्रेट इन आई और उसकी आँखों में देखा और उसकी आँखें जो थी उसकी जो आवाज़ थी फॉर्म विद डिटर्मिनेशन उसकी इरादा पक्का लग रहा था उसने कहा माँ ने कहा डोंट गिव इन मंजू देर इज सो मच यू हैव इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव मंजू इतनी जल्दी हार मत मानो माँ ने समझाया तुम्हारे अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो आम लड़कियों में नहीं होता लेट इट कम अप उसे बाहर निकलने दो इवन इफ यू हैव टू फाइट फाइट मंजू फाइट माँ के प्यार भरे शब्द, जो कि माँ ने बहुत बड़ी सच्चाई कह दी माँ माँ ने बोला अगर तुम्हें लड़ना भी पड़ेगा तो लड़ो मंजू लड़ो लेकिन हार मत मानो वो किस चीज़ से हार मान रही थी वो ये सोच रही थी कि मैं पेंटिंग नहीं कर पाऊंगी और मैं इस सब के लिए नहीं बनी हूँ अब मंजू का जो गला था बॉस थिक विथ टीयर्स वो गला जो है वो पानी से मतलब आंसू से भर गया था लग रहा था वो अब रोने वाली है शी टर्न अवे फ्रॉम हर मदर वो अपनी माँ से दूर हो गई और हीरोइनों की तरह भागती हुई अपने रूम में गई और अपने बेड पर जाकर उल्टी होकर लेट गई और अपना मुंह जो है वो उसने तकिए के नीचे छुपा लिया और मींस वो बहुत ज़्यादा परेशान थी फिर वो थोड़ी देर में उठी उसकी आइज एक न्यूज़पेपर पे पड़ी जो कि टेबल पे पड़ा हुआ था स्ट्रेंज शी थॉट उसे थोड़ा अजीब लगा आई टिन कीप इट देर मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा था पजल पजल मीन्स कन्फ्यूज अप उसने वो न्यूज़पेपर उठाया और पढ़ा अब बच्चों बहुत ध्यान से सुना उसने क्या पढ़ा प्लेइंग फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट एक लड़का जो कि फुटबॉल खेल रहा है नकली पैरों से फुटबॉल तो पैरों का ही गेम है बच्चे के पैर नहीं है फिर भी वो फुटबॉल खेल रहा है द बोल्ड हैडिंग स्क्रीन स्क्रीम्ड एट हर जो वो बोटी मोटी हैडिंग थी न्यूज पेपर की वो उसकी तरफ देख रही थी घूर कर इन न्यू हेम्सफेयर शी रेड उसने पढ़ी वो हेडलाइंस अब आगे की डिटेल्स पढ़ी क्या लिखा था रिचार्ड हु हैड लॉस्ट हिज़ फीट इन द ट्रेन एक्सीडेंट डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट उसमें लिखा होता है रिचार्ड बेलेंगर जो कि एक लड़का है जिसने ट्रेन एक्सीडेंट में अपने पैर खो दिए थे वो आर्टिफिशियल पैर लगाकर फुटबॉल खेलने के लिए सोच रहा था उसने के कोच ने सोचा ये क्या बचकानी हरकत है उसके पेरेंट्स ने भी सपोर्ट नहीं किया बट बेलेंगर जो था स्टक इट वो उस पर अड़ा रहा और उसने नूसा टीम को एज अ डिफेंडर जो उसमें डिफेंडर होते हैं ना जो गोलकीपर गोल रोकते हैं एज अ डिफेंडर उसने एक्ट किया ठीक है मंजुला ड्रॉप द क्लिपिंग वो जो क्लिपिंग जो न्यूज़पेपर की कटिंग उसके हाथ में थी वो उसने उसके हाथ से गिर गई और बोलती है वॉट अ ब्रेव बॉय उसने अपने आप से सोचा कि कितना बहादुर लड़का है He didn't up. उसने छोड़ा नहीं हे प्लेड ऑन उसने वो खेलता रहा डिस्पाइट डिस्पाइट में जबकि और लोग उसे क्या क्या कहते रहे पर मदर वॉज राइट अब उसे लगा शायद मेरी माँ भी सही है शी है ऑन लाइक रिचार्ड बैलंगर उसे भी लड़ना पड़ेगा जैसे कि रिचार्ड बैलंगर लड़ा मंजू वॉक टू हर कब्ड वो अपने कबड्ड की तरफ गई अब मंजू ना मोटिवेट हो गई बहुत ज़्यादा उसने जो इंसिडेंट पड़ा उसी के जैसा एक बच्चा जो कि उसके पास हाथ नहीं है मंजू के पास तो उसके पास पैर नहीं थे वो भी फुटबॉल का इतना बड़ा प्लेयर बन गया ये सुनकर ये ये पढ़कर मंजू बहुत मोटिवेट हुई और वो अपने कबड़ की तरफ जाती है और hunted थ्रू द pile ऑफ़ क्लोथ्स जो उसके क्लोथ्स का कपड़ों का गट्ठा लगा हुआ था उसमें से उसने खूब ढूंढा ढांडा करा और पीछे की तरफ से वो ब्रश और कलर्स निकाल लिए और फिर वो दिन आ गया ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन और ब्रेकफास्ट के बाद हर ब्रदर सेड आई एम ऑफ माँ मम्मा मैं जा रहा हूँ रतन एंड आई आर हेल्पिंग एट द एंट्रेंस गेट मेरी और रतन की ड्यूटी जो है वो एंट्रेंस के गेट पे लगी है क्योंकि हमें लगता है बहुत लोग आने वाले हैं टर्निंग टू मंजुला ही सेड अब वो अपनी दीदी की तरफ मुँह करके कहता है पिटी यू आर कमिंग आई एम श्योर यू वुड हैव वन आ प्राइज़ दीदी आप नहीं आ रही हो मुझे पक्का विश्वास था आप एक प्राइज़ ज़रूर जीतोगी मंजुला कहती है आई मट स्टिल विन वन मैं शायद अब भी एक जीत सकती हूँ वो कैजुअली कैजुअल वे में कहती है मंजू दैट मीन यू आर पार्टिसिपेटिंग मंजू इसका क्या मतलब है क्या तू पार्टिसिपेट कर रही हो अमूल जम्पड अप एंड हकड मंजुला अमूल खुशी से उछल जाता है और अपनी सिस्टर को हग कर लेता है आई न्यू यू वुड डू इट आई वॉज श्योर यू वुडेंट गिव इन मुझे पता था तुम ये कर लोगी और मुझे पता था तुम ये हिम्मत हारने वाली नहीं हो मंजुला अपनी बाहें खोल लेती है और बोलती है इफ रिचार्ड बैंगलर कैन डू इट वाई नॉट मंजुला पारेकर अगर रिचार्ड बैंगलर कर सकता है तो मंजुला पारेकर क्यों नहीं कर सकती उसका भाई उसकी तरफ देखता है और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है और भाई भी हंसने लगता है रिचार्ड बैंगलर मिस मिस पारेकर आज हु इज रिचार्ड बैंगलर माँ पूछती है अरे रिचार्ड बैंगलर ये रिचार्ड बैंगलर कौन है तो मंजुला कहती है रिचार्ड बैंगलर एंड हर ब्रदर टुगेदर और दोनों बोलते हैं मिलकर प्लेस फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट इज इन दैट समथिंग वो ही रिचार्ड बैंगलर जो फुटबॉल खेलता है नकली पैर से आपको नहीं लगता ये कुछ इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है सो चिल्ड्रन दिस चैप्टर गिव्स अ मॉरल टू अस दैट नेवर गिव अप You can do anything and everything you wish. So try, try, but never.